के दशक के सुपरस्टार गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा अपने पिता गोविंदा को सिर्फ अपनी मम्मी सुनीता आहूजा के साथ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी मम्मी पापा की जोड़ी दुनिया की बेस्ट जोड़ी लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यशवर्धन आहूजा इंडस्ट्री की चार अभिनेत्रियों के साथ तो अपने पापा को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर आखिरकार कौन ऐसी है वो अभिनेत्री जिसके साथ ये अपने पिता को देखना पसंद नहीं करते, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर एक, रवीना टंडन। दूल्हे राजा जैसी कई फिल्मों में रवीना टंडन ने गोविंदा के साथ काम किया था और इन्हीं फिल्मों में गोविंदा और रवीना की जोड़ी को सभी ने खूब पसंद किया था। यहाँ तक कि गोविंदा मन ही मन रवीना को चाहने लगे थे, जिसके चलते गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता को भूलने लगे थे और यही वजह है कि यशवर्धन रवीना के साथ अपने पिता को देख नहीं सकते। नंबर दो, करिश्मा कपूर। गोविंदा ने करिश्मा कपूर के साथ न जाने कितनी ही फिल्मों में काम किया, पर उन फिल्मों में काम करने के दौरान ही करिश्मा और गोविंदा के अफेयर की चर्चाएं काफी सुर्खियों में रही थी। जब सुनीता को पता चला तो सुनीता डिप्रेशन में चली गई थी। यही वजह है कि यशवर्धन अपने पिता के साथ करिश्मा को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर तीन, रानी मुखर्जी। हद कर दी आपने फिल्म में काम करने के दौरान ही रानी मुखर्जी गोविंदा के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी और गोविंदा तो रानी के इतने ज्यादा करीब हो गए थे कि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। रानी मुखर्जी ये जानते हुए भी गोविंदा शादीशुदा है इनसे शादी करना चाहती थी, जिसके चलते गोविंदा के घर में काफी कलेश हुआ। यही वजह है कि यशवर्धन रानी मुखर्जी के साथ अपने पिता को देखना पसंद नहीं करते। नंबर चार, नीलम कोठारी। सुनीता आहूजा से शादी करने के बाद गोविंदा ने पहली फिल्म नीलम कोठारी के साथ की थी। इसी फिल्म में काम करने के दौरान ही नीलम की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। गोविंदा उनकी वजह से अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे और यही वजह है कि यशवर्धन अपने पिता को नीलम के साथ देखना बर्दाश्त नहीं करते। वेल दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।